हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मैं अपने हम भाई की हल्दी एंड मेहंदी का फंक्शन, जो कि आप लोग एंजॉय करो। ये देखो, सबसे मिल लो मेरे बेटा बेटी से, इतने बड़े बड़े बेटे ऐसे। ये देखो मेरे घर की सबसे बड़ी बेटी ये है, सेकेंड में भी देखो वो मेहंदी लगा रही है, थर्ड ये आकांक्षा आ जा। नानी की तीन नतनी, ये देखो हमारे घर की तीन लक्ष्मी, तीन नतनी, और ये हमारी सबसे प्यारी भतीजी है मेरी। ये मेरे सबसे बड़े भाई की बेटी है एंजल। आजा, युवराज कहाँ है? अभी मैं आप लोग को सबसे, अपनी बहन लोग से सबसे मैं मिलाऊंगी, सबसे आप देखना हम लोग कितने बहन लोग हैं। अभी तो पूजा होगी और शाम में हल्दी का फंक्शन है, तो अभी मैं नॉर्मल ऐसे ही कपड़े मैंने पहन लिए हैं, क्योंकि अभी पूजा है तो इसलिए मैंने रेड रेड डाल लिए हैं, और इवनिंग में हल्दी का फंक्शन है, इस वजह से इन लोगों ने अभी ये येलो येलो डाल लिए। मेरे पास येलो साड़ी नहीं था, था बट मैं लाई नहीं थी, इस वजह से मैंने अभी ये वेलवेट वाला पहन लिया। अभी मेरी सेकेंड वाली दीदी रेडी हो रही है, तब दिखाऊंगी। मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अपनी फैमिली लोगों से भी मिलवाते जा रही हूँ, और यहाँ पे इवनिंग का हल्दी का फंक्शन के लिए भैया आए हैं डेकोरेशन करने के लिए, तो वो डेकोरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपनी मतलब पूजा रूम दिखा रही हूँ मम्मी का, तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, जो कि बहुत टाइम लगाती है, बहुत टाइम दे के पूजा करती है, तो यहाँ पे पूजा कर रही थी और मम्मी, और यहाँ पे सब दीदी दीदी की बेटियां लोग सब रेडी हो रहे हैं। देखो मेरे ऑल फैमिली से सब दीदी लोग यहीं पे बैठी है, सबसे बड़ी दीदी से दिखाती हूँ। ये देखो आराम फरमा रही है, मायके आई है यहाँ शादी कर, आराम फरमा रही है। और ये है सेकंड दीदी, और इधर दिखाती हूँ मेरी थर्ड दीदी, अभी फोर्थ दीदी नहीं आई है, आएगी। और ये है मेरी अभी इकलौती भाभी है, अभी इकलौती भाभी आई है, अभी सेकंड बेबी और थर्ड भाभी तो अभी। और ये है मेरी बड़ी मम्मी, ये है मेरी बड़ी मम्मी, जो मैं बोल रही थी ना बड़ी भाभी, बड़ी भाभी बड़ी मम्मी। और ये है किगरा दिखा, ये यूट्यूब में डालेंगे मेरी मम्मी। ये मेरी मम्मी, मेरी मम्मी से आप लोग मिल लो, ये है मेरी मम्मी, छोटी मम्मी भी अब आ जाएगी कल, आप उनको मतलब मैं उनसे भी आप लोग को मिलवाती हूँ। तो देख लीजिए मेरी फुल फैमिली से, और है मेरी बड़ी मम्मी बोल रही है काट देने के लिए, कोई भी क्लिप मैं नहीं कर रही, जो भी मैं दिखाती हूँ नेचुरल दिखाती हूँ, है कि नहीं। और फैमिली से मैं मिलवाऊंगी थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे जैसे छोटी छोटी क्लिप बनाती जाऊंगी। यहाँ मेरे मायके की छत पे मैं आ गई, तो यहाँ पे छत पे ही हर चीज का अरेंजमेंट किया हुआ था। ये देखो मेरा बेटा एकदम फुल मस्ती में है, वहाँ पे तो इसकी मतलब मेरी बात ही नहीं सुनता था, फुल मस्ती मतलब इंजॉय किया इसने। तो ये देखो यहाँ पे मतलब छत पे ही हमारा जो खाना हलवाई वाले भैया बनाते हैं, सारा अरेंजमेंट छत पे ही हुआ था। और साइड से आज मेरे घर पूजा है, तो पूजा की दीदियाँ मतलब साड़ी जो है सब तैयारी कर रही हैं, और साइड में यहाँ पे देखो जो खाना बनाते हैं वो बना रहे हैं, मतलब लंच बन गई है, रात के खाने की जैसे मिठाइयाँ वगैरह है सब, वो सब बन रहे हैं। तो यहाँ पे ही हमारा सब जैसे नाश्ता खाना जो भी होता है, खाना भी यहीं पे बनता है, और हम लोग खाना खाने नाश्ता खाने भी यहीं पर आते हैं। तो यहाँ पे मतलब स्पेस है, तो हमने छत पे ही सारा भैया ने अरेंजमेंट कर दी, और नीचे काफ़ी स्पेस रहती है, तो हमारा सब मतलब जो भी फंक्शन वगैरह जैसे हल्दी फंक्शन मेहंदी फंक्शन जो भी होगा सब हॉल में ही होगा। तो यहाँ पे पूजा में देखो पंडित जी भी आ गए हैं, तो पूजा की तैयारियाँ वगैरह सब दीदी ने कर दी, इधर दीदी की बेटियाँ लोग सब प्रसाद बना रहे हैं सब। मैं तो एक साइड में बैठी रहती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, सब दीदियाँ मम्मी लोग ही कर रही हैं। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर के सबसे फर्स्ट में जो बैठे हैं वो मेरी दीदी का बेटा है, जो कि पंडित जी उनसे ही पूजा करवा रहे हैं, और बगल में मेरी मम्मी है और साथ में मेरा भाई है। इसको तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था, कितनी बार फ़ोन की तब जाके वो आया। यहाँ पे जिसकी शादी होती है वहाँ पे पूजा में बैठना ज़रूरी होता है, तो पूजा हो गई, तो पूजा होने के बाद हम लोग सब यहाँ पे लंच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब जिया जी के बेटे हैं, भाभी है, सब दीदियाँ लोग हैं, सब एक टेबल पे सब अलग अलग अपना खाना खा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, उस दिन खाना खाने में थोड़ा लेट हो गया था पूजा की वजह से। तो सब हमने सब इंजॉय कर रहे हैं, सब थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने एक दो दिन तक जब मैं गई तो मेरे हाथ में मतलब मोबाइल रहती थी, मैंने फिर भी वीडियो बना ली, अदरवाइज़ मेरे यहाँ पास मोबाइल नहीं रहता था, इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे इवनिंग के टाइम में देखो हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया,
तो हल्दी का जो डेकोरेशन वाले जो भैया थे वो सब तैयारी करके चले गए थे, और ये सब भी तैयारियां मतलब मेरी दीदी की बेटियां लोग ही की। तो मैं यहाँ पे सबसे आगे रहती थी, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, वीडियो लेने मतलब ये करने खिंचाने में, फ़ोटो खिंचाने में आगे रहती थी। तो यहाँ पे वीडियोग्राफर वाले भैया को मैंने बोला कि रुक जाओ मेरी भी थोड़ी सी ले लो, और यहाँ पे मेरा दीदी का बेटा लोग भी साइड से मतलब फ़ोटो वीडियो ले रहा था। और यहाँ पे हल्दी लगते हैं, जैसे भैया को हल्दी लग रही है, सब पांच लेडीज मिलके सब लगाती हैं पांच बार। और यहाँ पे ये मेरे बड़े भैया बड़े भाभी लोग हैं जो कि फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब डांस का चल रहा है, हमने सोचा नहीं था कि हम लोग हल्दी मेहंदी में इतनी फंक्शन मतलब इतनी एंजॉय करेंगे, बट फिर भी हमने बहुत एंजॉय की। और बड़े भैया से थोड़े हम लोग डरते नहीं, डरते एक तरह से नहीं मानो, रिस्पेक्टफुली रहते हैं। तो जब उन्होंने उनको हमने देखा कि डांस कर रहे हैं तो फिर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर हमने भी भैया के साथ खूब मिल के डांस की। और यहाँ पर मैं ओरिजिनल सॉन्ग नहीं डाल सकती क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएंगे, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं तो ऐसी हालत में भी मतलब फुल एंजॉय की, मतलब मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, बट फिर भी हाँ मैंने अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए ही डांस की, ज़्यादा मतलब जंप नहीं कर रही थी, बट फिर भी हाँ मैं फुल एंजॉय की, मैं कसर नहीं छोड़ी। अगर मेरी ऐसी कंडीशन नहीं रहती तो और भी ज़्यादा जंप मतलब अच्छे से मतलब झूम के डांस करती, बट हाँ फिर भी अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए कर रही थी। तो और भी अच्छा लगता, बट क्या करें ये ओरिजिनल सॉन्ग मैं नहीं डाल सकती, इस वजह से मैंने ओरिजिनल सॉन्ग नहीं डाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पर तो मतलब मेरे पतिदेव भी मतलब काफ़ी शर्माते हैं या ज़्यादा YouTube में आना नहीं चाहते हैं, उनको नहीं पसंद है, बट फिर भी हमने ये सब डाल दी है। और मतलब ये सब डांस करना उनको ज़्यादा ये कहते हैं हमें नहीं आता है, बट फिर भी उन्होंने भी फुल एंजॉय की अपने शाला की शादी में। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी और मेरे फैमिली वाले को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो इन्होंने बहुत अच्छा मतलब सब इंजॉय किए। और यहाँ पे मेहंदी का स्टार्ट हो गया, तो हमारे यहाँ मेहंदी वाले दिन मतलब कोई पार्लर वाले नहीं आए थे, हमने सब मिलके ही मतलब मेरी दीदी की बेटियाँ लोग जो थी वो उन्होंने ही लगाए, और मैं भी थोड़ी बहुत जैसे दीदी की बेटियाँ लोग को भी थोड़ी बहुत ये लगा दी। हमारे यहाँ कोई पार्लर वाले नहीं आए थे, तो यहाँ पे सब मेहंदी उदी का चल रहा था। और यहाँ पे मैं अपने जिया जी के साथ डांस कर रही हूँ, और मेरे पति देव के साथ उनकी सालियाँ लोग डांस कर रही है, तो सब अपने अपने जिया जी के साथ अपने डांस कर रहे हैं। तो मैं भी एकदम अच्छे से फुल एंजॉय की, मेहंदी वाले दिन भी काफ़ी अच्छा रहा फंक्शन। तो ये नेक्स्ट डे का है, मतलब हल्दी वाले दिन तो एक दिन पहले की हो गई थी, ये नेक्स्ट डे के दिन है हल्दी का फंक्शन। तो इसी तरह मैं छोटी छोटी क्लिप आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ देखो मेरे बड़े वाले भैया भाभी लोग डांस कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग भी शामिल हो गए, तो अच्छा लगता है, ये सब छोटी छोटी मेमोरी हो जाती है। इस वजह से भी मैंने ना मतलब नहीं ज़्यादा मतलब वीडियो बना पाई, क्योंकि वीडियो बनाने में मतलब थोड़ा सा लगता था, मोबाइल भी पास में नहीं रहता था, तो मैं सोचती चलो वीडियो ये सब तो थोड़ी किसी किसी से मांग के भी ले लूँगी, बट ये जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का था तो मैं वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। तो मैंने फुल फैमिली के साथ भी मतलब काफ़ी इन्जॉय की, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कैसी लगी। यहाँ पे जब रेडी हुई थी तो रील्स बनाना तो बनता है, तो दीदी की बेटियाँ लोग मेरी रील्स बना रही थी, तो आप लोग एंजॉय करो और वीडियो को, और इससे आगे जो वीडियो आएगी वो भी और भी इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए बाय बाय।